तरीके से प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा को पहचाना है और उसकी ताकत क्या है ये पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को याद दिलाई है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने कभी अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में जाके 40,000 लोगों की रैली नहीं की। वॉशिंगटन DC व्हाइट हाउस में और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। कभी किसी ने दुबई में जाके 50,000 लोगों की सभा नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत UAE के प्रेसिडेंट ने किया है और उस लिहाज से कह सकते हैं कि कितने आत्मीय संबंध है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने PM मोदी का स्वागत किया है। कभी किसी ने जाके ब्रिटेन में इतनी बड़ी विम्बले स्टेडियम में सभा नहीं की। प्रधानमंत्री का जो एक अंदाज है, मेरे परिवारजनों, एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है, दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। भारत की धमक या भारत की आवाज पहुंचाने का जो उनका तरीका है वो बड़ा कमाल का है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। भारत के इस अहमियत को प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिस तरीके से भारत के मॉन्यूमेंट्स, कोणार्क का चक्र और नटराज, इस तमाम चीजों, मतलब पूरे भारत भूमि को जिस तरीके से इस मंडपम में उन्होंने शोकेस किया है वो अपने आप में बड़ा कमाल का है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जानने के बाद मानने में भरोसा दिखाया है और इस यात्रा में उन्होंने अपने को, जैसे पार्लियामेंट में भाषण देते हुए एक टाइम कहा था कि पल पल खपाया है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है, देश के लोगों के लिए खपा दिया है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। अपने को तपाया है, पल पल खपाया है इस देश के लिए, तो वो दिख रहा है भाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। ...2024 तक भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ छलांग लगा लेगा और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की जो दावेदारी है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो माहौल है, ये जो चीजें हैं, वो एक तरीके से उसका इकरारनामा कर रही है। जिस गुजरात की भूमि से महात्मा गांधी आते थे उसी गुजरात भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। अफ्रीका में जिस तरह से चाइनीज वर्चस्व रातों रात लगातार तेजी से बढ़ रहा था, वहाँ की जितनी माइनिंग्स थी, वहाँ की कंट्री के कंट्री, छोटे छोटे कंटिनेंट, ये सब चाइना धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा था, लेकिन ब्रिक्स समिट में PM के जाने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अफ्रीका की तरफदारी करके और G20 का उसको हिस्सा बनाया है और चीन की जो एक मोनोपोली है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में तोड़ा है और इसको पूरी दुनिया को बताया भी है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वहीं से आया है कि यह मेरा है यह तेरा है। अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम, यह मेरा है यह तेरा, ऐसा क्षुद्र छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, तो उदार मन वालों के लिए पूरा पृथ्वी परिवार। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत है जो वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन है, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी है, जो उनकी धार्मिकता है या धर्म के प्रति जो उनका अप्रोच है, जिस तरीके से भारत की उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई, उसके पीछे एक बड़ा गहरा कारण है। बजरंग बली की, भारत माता की वंदे वंदे। आज मैं कह सकता हूं कि भारत ने जिस मैच्योरिटी से भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रखी, वह उस तरह से बात रखने की हैसियत किसी भी विकसित राष्ट्र के नेता में अगर जो बिडेन को छोड़ दिया जाए तो आज के डेट में नहीं है। प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से भारत में पूरी दुनिया के नेता जुटते हैं, सारे ताकतवर राष्ट्र जुटते हैं, और यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर कोई सवाल प्रधानमंत्री से पूछने की हैसियत नहीं कर पाता है, ये भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है। चीन के मुद्दे को लेकर और यूक्रेन और रशिया के मुद्दे को लेकर के जो संतुलन भारत ने साधा है, वैसा संतुलन बहुत कम बार दुनिया के पटल पे देखने को मिला है। पाकिस्तान तो मीलों पीछे छूट गया है, पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। और इवन वहां के तो नेता भी कहने लगे, वहां की आवाम भी कहने लगी है कि काश भारत का प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान को लीड करता। हा? हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। सरकार का फोकस बड़ा क्लियर है कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेरर के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने इसको किसी भी फोरम पे दो बात नहीं की, एक ही बात की कि हमारा नारा टेरर को मिटाना है, टेररिस्ट एक्टिविटी को मिटाना है, मनी लॉन्ड्रिंग को मिटाना है। हमारा नारा जो है शुद्ध रूप से ह्यूमैनिटी के लिए है, मानवता के लिए है, और मानवता के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। उसमें भारत विश्वगुरु रहा है, और अपनी उस विश्वगुरु का जो ब्लूप्रिंट है, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ये ब्लूप्रिंट लेके आए थे कि मुझे कैसे काम करना है, और मैं तब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो एक एक सतत कह सकते हैं कि जो लाइन उन्होंने तय की थी, ड्रॉ की थी, उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस।